हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गोडॉक्स के क्वेयर सॉफ्ट बॉक्स को। ये सॉफ्ट बॉक्स मैं पिछले एक साल से भी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और हमने इसे अलग अलग लोकेशंस पे और घर के अंदर हर जगह ट्राई करके देखा है। आप लोगों ने इसे मेरी स्टोरीज में देखा होगा, आप लोगों ने इसे मेरे पोस्ट में देखा होगा और अगर आपने मेरे यूट्यूब की वीडियोज़ देखे हैं तो आपने मेरे पुराने यूट्यूब के वीडियोज़ में भी ये देखा होगा। मैं मैक्सिमम अपनी लाइटिंग के लिए इसी सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसके बॉक्स में है, कैसे इसे ओपन करना है, कैसे इसे यूज़ करना है और कैसे हम इसे फाइनली फोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सैंपल इमेजेस भी इसमें देखेंगे। दोस्तों, गोडॉक्स का ये सॉफ्ट बॉक्स एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और इजी टू कैरी केस में आता है जिसके अंदर से खोलने पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। पहला है ये एस ब्रैकेट। आई होप अगर आप फोटोग्राफी में लाइटिंग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा एस ब्रैकेट। इसे बेसिकली फ्लैश लाइट्स लगाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है ये सॉफ्ट बॉक्स। अगर आप देखोगे इन दोनों का साइज लगभग बराबर है तो इतने छोटे पैकेट में ये फोल्ड हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस एस ब्रैकेट को लगा देता हूँ। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसे हम अगर हम खोलें इसके अंदर से ये आपका सॉफ्ट बॉक्स है, ये इसका कवर हो गया। खोलने के बाद ये एक ट्रायंगल शेप में ऐसा बन जाता है और फाइनली अगर आप इसे खोलेंगे ये आपका पूरा सॉफ्ट बॉक्स रेडी है। ये साइज में बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है और लगाने में भी बहुत आसान है। जस्ट इसे पुल करिए। इसके बेसिकली जो बैक साइड वाला जो पोर्शन है इनको स्ट्रेच करना है और इस एस ब्रैकेट को इसमें फिट कर देना है। इट्स डन। अब आप देखो ये रेडी हो गया है। एस ब्रैकेट को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। फाइनली ये रेडी है। इसमें यूज करने के लिए हमको अभी चाहिए एक फ्लैश। मेरे पास एक फ्लैश है जो कि गोडॉक्स की टीटी 520 है, तो इसे हम इस पर लगा लेते हैं। एस ब्रैकेट में ऊपर की तरफ से एक टाइट करने वाला होल्डर आता है जो आपकी फ्लैश को होल्ड कर लेता है। फाइनली इसे आप इतना टाइट करिए कि आपका फ्लैश गिरे नहीं। ध्यान रखिएगा ये इतना होल्ड करना ज़रूरी है। एक बार ये रेडी हो गया उसके बाद से फाइनली सॉफ्ट बॉक्स आपका रेडी है। ये इसका बेसिक प्रोसेस है। बॉक्स के अंदर से हमें दो चीज़ें मिली, पहला था सॉफ्ट बॉक्स, दूसरा था एस ब्रैकेट। एस ब्रैकेट हमने माउंट किया, सॉफ्ट बॉक्स हमने लगाया है इस पर और सॉफ्ट बॉक्स हमारा काम के लिए रेडी। इतनी छोटी सी प्रोसेस, इतना लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और ये इजीली आपके कैमरा बैग में आ सकता है। तो फाइनली ये चीज़ ऐसी हो जाती है जो कहीं भी आपको अगर आउटडोर में जाना है, आपको इंडोर फोटोग्राफी करनी है, आपको कहीं ट्रैवल करना है, उन सब चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट बन जाता है। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं इसे कैमरे की तरफ को कर लेता हूँ। इसमें पहला डिफ्यूज़र लगा हुआ है। जैसे आप इस डिफ्यूज़र को हटाते हो इसके अंदर से सेकंड डिफ्यूज़र आपको मिलता है। ये डबल डिफ्यूज्ड है। डबल डिफ्यूज्ड का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप इसमें लाइट थ्रो कर रहे होते हो तो पहली जो लाइट है वो इस पहले डिफ्यूज़र पे हिट करती है, यहाँ से इसकी जो शाइनिंग वॉल्स हैं इन पे जाके वापस रिफ्लेक्ट होती है और फिर वापस हमारे पास आती है। तो आपको एक शानदार डिफ्यूज्ड इमेज मिलती, लाइट मिलती है, जिससे आपके जो इमेजेस हैं उनमें बिल्कुल स्मूथ लाइट आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी हुक के साथ लगा हुआ है, आप इसको खोल सकते हैं। सामने आप देखो मेरी फ्लैश आपको दिख रही होगी। ये
छोटे से हुक हैं, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। अगर आपको सिंगल डिफ्यूज़ रखना है तो आप इसे हटा सकते हो, डबल डिफ्यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा लाइट पे इसे यूज़ कर रहे हो, मतलब लगभग डे लाइट के आसपास का, हालांकि डे लाइट में छोटी फ्लैश काम नहीं करती है, बट स्टिल 80-100 जैसा हमने इस पर फ्लैश लगा के देखा हुआ है, तो उस टाइम पर अगर आप डे लाइट में भी शूट कर रहे हो तो डे लाइट में भी आप इनको हटा सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ से जो लाइट आती है उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा निकल के आता है, और वो बिल्कुल सेंट्रिक लाइट होती है, बिकॉज ये जो स्क्वायर बनाता है, ये स्क्वायर उसको एक डायरेक्शन में उस लाइट को थ्रो करता है, और फाइनली आपके पास जो फोटो निकल के आता है उसमें आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा जो हमें स्काई या क्लाउड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हमको दिख सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप सिंपल ये वाली फ्लैश लगा रहे हो, मैं इसे जस्ट इवनिंग के टाइम पर मैक्सिमम टाइम पर यूज़ करता हूँ, मैं सिंगल डिफ्यूज़र के साथ यूज़ करता हूँ। जब आप सिंगल डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो आई एडवाइस कि इसे हटा दीजिए, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी बाहर थोड़ा सा बड़ा फ्रेम बना देता है जिससे कि आपका अच्छा सा डिफ्यूज़ आपको मिलेगा। तो ये था सिंपली क्या इसके अंदर है, और उसके बाद फाइनली जब आप इसे वापस डिसमाउंट कर रहे हो उस टाइम पर हम इसे सिंपली, मैं फिर से इसे सामने कर लेता हूँ, इसे जस्ट एस ब्रैकेट को पकड़ के आप पुल कर लीजिए, ये इतने से ही निकल के आ जाता है। अब ये आपके पास है, इसमें सिंपली फोल्ड करने के लिए आपने इसे फोल्ड किया, वापस इसका वो ट्रायंगल शेप लेके आएंगे। एक बार ट्रायंगल शेप आपके पास आ गया तो एक हाथ से आप बीच में रखिए, एक हाथ आप पीछे रखिए। ध्यान रखिए इन दोनों की जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। पहला हम हाथ को इधर की ओर को करेंगे तो इस हाथ को इधर की ओर को करना है, तो इससे ये आपका फोल्ड हो जाता है। थोड़ा सा आपको अपने जो हाथ हैं उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, मतलब अगर आप चाहो तो अपनी बॉडी का हेल्प ले सकते हो। ये आपका फोल्ड हो गया, बहुत ही आसान है। वापस ये इतना छोटा हो गया है कि आप इसे ईजिली इस पाउच के अंदर डाल सकते हो, ये आप देख सकते हो इसी पाउच के बराबर का मैंने इसे बना दिया है। तो वापस इतना छोटा होने के बाद अब ये आपके कैमरे के बैग में आ सकता है, अब ये आपके ट्रैवल बैग में आ सकता है। अगर आप अपने ऑफिस बैग को कभी कभी, जैसे हम कैमरा कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ पर हम अपने ऑफिस बैग को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। मैं जनरली कई बार ऐसा भी करता हूँ कि ऑफिस बैग में ही इसे डाल लेता हूँ, और सिर्फ एक कैमरा, एक सॉफ्ट बॉक्स और एक फ्लैश, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। सो ये था ओवरऑल कि कैसे हम इनको यूज कर रहे हैं, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, और फाइनली आइए देखते हैं इसके कुछ सैम्पल इमेजेस जो हमने अलग अलग लोकेशंस पे शूट की हुई हैं अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं किसी भी ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए, किसी भी ऐसे फोटोग्राफर के लिए जिनका ट्रैवलिंग एक मेन काम होता है और उनको बार बार हैवी इक्विपमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है, हैवी सॉफ्टवर्क्स ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस सॉफ्टवर्क से भी बहुत शानदार फोटोग्राफ अपने लिए निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फाइनली उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।